وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

आयत नंबर 11 से 16 तक आज के सबक का मौजू क्या हमारी जन आग में जाने के लिए तैयारी पूरी है इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुजता सबक का आदा होगा तस्बिर जमीला। आप काफिरों की बातों पर हर शिकवे से पाक सब्र बेशक वो तो उस दिन को दूर समझ रहे हैं वह नीब और हम उसे करीब ही देखते हैं यू मत कौन उस समय जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा वो तो कौन उलझी बैल उचल और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे वला हमीमा। और कोई दोस्त किसी दोस्त का पुरसान न होगा करम सूर्य अल महारिज आयत नंबर ग्यारह लफ्जी तर्जुमा यू बस सरू हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जा रहे होंगे यवुल मुजरिम उस दिन मुजरिम जो है वो ये आरज़ू करेगा लौ फ़तदी मिन आज़ाब यौम इज़म बनी है कि उस दिन से कि उस दिन के आज़ाब से रिहाई के बदले अपने बेटे दे दे या लो याफ्तदी काश ये छूट जाए उस दिन के आज़ाब से भी है अपने बेटे को देने से वह साहिबती ही और अपनी बीवी यानी यानी बदले में वह अख़ी है और अपने भाई को दे दे वह फसीलत लतिहिल लती तो भी है और अपना तमाम ख़ानदान जो उसे पनाह देता था वह मनफिल अर्द जमीन और हर वो चीज़ जितने लोग भी व मन फ लड़ दे जितने लोग भी ज़मीन में हैं वो सब अपनी ज़ात के बदले कर दे जी है फिर वो आ, ये फिदिया उसको अजाब से बचा ले कल्ला ऐसा हरगिज़ न होगा इन लजा बेशक वो आग है शो लज़न साविन क्रम थोड़ा सा आ, गौर कीजिए ए, वो कितना वो दिन जो है कितना बांझ होगा ये बांझ के अल्फाज़ कुरान में भी आए हैं लेकिन मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि वहाँ कुछ भी काम नहीं आएगा यानी माल और दौलत यहाँ तो ये रिश्तेदारियों का तस्करा है लेकिन दूसरी जगह जो है बल्न लजन माफिल अर्द जमियम व मिसलू माहू लफ्तूमिन आज़ाब योम औ कमाकाल दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया उसका मफहम यह है कि उस दिन जो है कोई चीज़ जो है यानी एक आदमी के लिए अगर हो जाए वो सब कुछ जो ज़मीन में मौजूद है और इतना और भी और ये फदिएे में देना चाहे तो वो फदिए में कबूल नहीं होगा और ये फदिएे में देने की आ, बात और जगह भी आई है लेकिन यहाँ जो है एक ख़ास अंदाज से है और इसमें वो तमाम रिश्ते बयान किए गए हैं जो इंसान के साथ लगे हुए हैं यानी और ये सारी चीज़ें हमें महबूब हैं यानी सबसे ज़्यादा आपको अपने बीवी बच्चे ये आपको महबूब होते हैं और यहाँ और फिर वो ख़ानदान है जो आपको पनाह देता है आपके माँ बाप आप हैं आपके भाई बहन हैं बड़े भाई बहन हैं या जो भी चाचा चाचू दादा नाना नानी वग़ैरह जो भी आपको पनाह देते हैं जाहिर है कि इंसान अपने घर में आके जो है वो एक किस्म का तहफ़ महसूस करता है लेकिन क़यामत के दिन जब वो लोग जिनके जिनका आमालन जो है उनके उल्टे हाथ में दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो शख़्स जो है वो शख्स बड़ा परेशान होगा ये वो अजाब को देख के यहाँ मज़मून ये यह है ना, नायस अलो हमीम हमीमा, उस दिन कोई जिगरी दोस्त जो है किसी के अपने किसी जिगरी दोस्त के काम नहीं आएगा यो बस शरू न हूँ हालाँकि वो देख रहे होंगे एक दूसरे को देख रहे होंगे लेकिन ये दोस्तों के अलावा जो है यानी वहाँ फिदिया क़बूल नहीं किया जाएगा किसी भी किस्म का ये अगर मैं तमाम कुरानी आयत को यानी आपको इकट्ठा करके बताऊँ ना तो माल और दौलत के अंबार किसी काम आएंगे यहाँ तो आपने बड़ी उससे तो लगा रखी है ना यानी आम तौर पे यहाँ हम बाज़ लोग जो है मुजरिमाना ज़िंदगी गुजारते हैं और वो फिर माल दौलत से आ, जो भी आ, साहिब अकतदार लोग हैं उनका आ, पेट भरते रहते हैं या जो भी है तो वो एक कस्म के बचे रहते हैं बाज़ ऐसे लोग हैं मैं उसकी तफसे मिल नहीं जाता लेकिन यहाँ जो मज़मून हो रहा है आयत नंबर ग्यारह में सूर महारिज में तो उसमें यही मजमून है कि देखो तुम्हारा कोई चीज तुम फिदिये में देना चाहो हद तक कि अपनी बीवी को बच्चों को और अपने भाई को और वो खानदान जो तुम्हें पनाह देता है है तो वो कोई चीज जो है वह मनफिल अर्द जमीन और जो, जो लोग जमीन में हैं सबको वो फिदिये में दे दे और फिर ये उस दिन के अजाब से अपने आप को बचा ले कल्ला अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा हरगिज़ नहीं होगा फ़लाईमिन हुफ़ी दिया दूसरी जगह अल्फ़ाज़ है तो बहरहाल ये एक ऐसी बात है कि सोचने के काबिल है कि हम क्यों अपनी दुनिया की ज़िंदगी जो है वो एक तो बेमकस गुजार रहे हैं और गैरुल्लह के लिए गुज़ार रहे ये अल्फाज मैं ख़ास तौर पर आपसे कहता हूँ कि गैरुल्ला यानी देखें ज़िंदगी हक़ है कि हम अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारें और मोमिन का तो जब वो बाशूर होता है तो उसका तराना ये होना चाहिए कि लब्बिक्लाब लब ला शरीक मुल्क ला शरीक ये उसका तराना होना चाहिए लेकिन फिर यह है कि उसको अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए खास कर देनी चाहिए असल में आ, हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं सबने का ये एक गाफिल यानी एक गाफिल लोगों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं और मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ मुसलमानों की आप देखें कि आज आपने अपने आप को किन ज़मीलों में दुनियावी धंधों में आ, अपने आप को डुबो दिया है और किन फिक्रों में हैं आप ये भी है कि आपकी फिक्रें क्या हैं फिर यह है कि आप कौन से ख्वाब देख रहे हैं फिर यह है कि आप किन ख्वाहिशात के बिना जिंदगी गुजार रहे देखें, आम तौर पे हम हमारी तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो ताल्लुक़ रखती हैं मटीरियल से मादे से तो ऐसी बात तो नहीं है ऐसा तो नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला ने आपको ये ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए तो नहीं पैदा किया मेरे आका अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि अलकै सुमंदाना नफ्सू आमिल बादल मौत तुम में से होशियार इंसान वो है जो अपने आप को काबू में रखे और अमल करे उस वक्त के लिए जो मौत के बाद होगा लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर पा रहे हम हमने तो अपने आप को ख्वाहिशात के धारे पर खुला छोड़ दिया है और ख़्वाहिशात नफ्स की रो में हम बहते चले जा रहे हैं आप देख लें यानी किसी का दर्जा कम है या किसी का ज़्यादा है लेकिन है ख्वाहिश नफ्स और ज़ाहरी दुनिया के लिए हमारी तमाम सोचें जो हैं इस बात को ख़ास तौर पर नोट करें कि हमारी तमाम सोचें जो हैं वो ज़ाहिर तक महदूद हैं और जाहिर ही हमारा ओढ़ना बिछोना बन गया है और इसी रोज़ो शब में हम उलझ के रह गए और ये बड़ी ख़तरनाक बात है अगर मैं आपको खुले तौर पे यह बात कहूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें नुकसान है सिर्फ हमारा नुकसान है जो कोई भी ऐसी सोच अपनाएगा या इस सोच के तहत ज़िंदगी गुजारेगा वो सरासर नुकसान में होगा ये एक बात जो है आप नोट कर लें बहरहाल यहाँ जो आयत है न, जो हम पढ़ें ये आपको जहन में रखनी चाहिए कि अनक़रीब ऐसा वक्त आने वाला है जो आखिरत से ग़ाफ़िल लो, लोगों के लिए तबाही का बायस होगा सिवाय नुकसान और बर्बादी के इन लोगों की क़िस्मत में कुछ भी नहीं है किन लोगों की किस्मत में यह बात नोट कर ले, जिन्होंने दुनिया में आप आके अपने आप को ना पहचाना और अपने रब को भुला के उन्होंने ज़िंदगी गुजारी देखें आजकल हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये मैं आपको क्लियर तौर पे कह दूँ कि जो हमारी जिंदगी है ये अल्लाह ताला को भुला के हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए अल्लाह की याद तो हमारी रग रग में होनी चाहिए और उसको जिक्रन कसीरा अल्लाह ताला ने हमें फ़रमाया कि हर वक्त जो है तुम्हें मेरी याद रहनी चाहिए और मोमिनों के बारे में अल्लाह ताली ने यह फ़रमाया कि रिजाल्ला तुलम तजारत वाला बैन ज़िक्र कि मेरे बंदे ऐसे लोग हैं जिनको खरीदो व और तजारत जो है वो मुखाफ़िल नहीं करती ला तुल हम तजारत वाला बैन ज़िक्र बालात नमाज़ क़ायम करने से आपको आ, ये चीज़ें नहीं रोक सकती तो बहरहाल अगर आप देखें और सोचें आ, सोचना अभी देख लें होश में अभी आना चाहिए जब आ, मौत का फरिश्ता आएगा तो उस वक्त अगर हमारी आ, हम रजू इल्लाह करेंगे भी तो हमारी तौबा नहीं कबूल होगी ये एक बात नोट कर लें यानी इंसान आम तौर पे जब मुसीबत पड़ती है तो वो अल्लाह का नाम लेता है मैं मिसाल के तौर आप अर्ज़ कर रहा हूँ या अल्लाह को याद करता है कोई भी मुसीबत आप पे पड़ती है तो आप कहते हैं या अल्लाह खैर कहते हैं ना तो मुसीबत के वक्त सिर्फ़ मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला को याद करना और वो भी सिर्फ ज़बानी तौर पर यह तो मुनासिब नहीं है देखें अल्लाह ताला की याद तो आपके रगो पे में बसनी चाहिए और आपका हर आन और हर लमह अल्लाह ताला की याद में गुजरना चाहिए ये मैं आपको वाजह तौर पे कह दूँ और ऐसा नहीं है आज हम जैसे जिस किस्म के माहौल में रह रहे हैं वहाँ लोग दुनियावी यादों से इन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रख लिया है यानी दुनियावी ख्वाहिशात अब वो दुनियावी ख्वाहिहश मुख्तलफ़ की होती हैं किसी को यानी जिनसी तौर पे वो ख़ुश रहना चाहते हैं और उसमें हराम हलाल का ख़्याल नहीं रखना चाहते अभी उसका तस्कर आएगा आगे तो अच्छा जो कुछ लोग जो हैं वो यानी ज़ाहरी शान शौकत के दिलदादा होते हैं ज़िंदाबाद मुर्दाबाद यानी ये ज़िंदाबाद मैं ज़िंदाबाद और दीगर मुर्दाबाद और अपनी ज़ाहरी शान शौकत आप देख लें लोग जो हैं आपके जो सियासी जलसे होते हैं जाहिर है कि उसमें आप जिन, अपने लीडर के ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं और दीगर मुर्दाबाद यानी उसकी बुराइयाँ बर मुर्दाबाद का मतलब यह है कि उसकी बुराइयाँ आप बयान करते हैं और ये मुख्तलफ़ यानी जहत से हम दुनिया ही के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं मैं अगर सारे मजमून को इकट्ठा करके एक जुमले में कि हम दुनिया की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ हमारी हैं कोई बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है कोई कहता है मैं बड़ा इंजीनियर कोई कहता है मैं वज़ीर बनना चाहता हूँ कोई कहता है यार मैं वज़ी अला बन जाऊँ और वज वज़र अजम के ख्वाब भी लोग देखते हैं और ये सारे मनासिब दुनिया हैं और इसकी याद में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं मैं इंतहाई संजीदगी से ये ये जुमला आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हम र की याद में महव हैं ज़ाहिर ही हमें याद है लेकिन नहीं ऐसा ये ये ग़लत है ऐसा ऐसी सोच जो है ये नुक़सानदह सोच है हमें तो अपने महबूब की याद में महव होना चाहिए और उसमें सरगर्दा और परेशान होना चाहिए उसकी याद में हमें महव होना चाहिए और उसकी याद के लिए या उसकी रज़ा के लिए अपने आप को हमने मसरूफ़ रखना है सरकर्दा और परिशाह और बहरल मनम महवे जमाले उ मनम महवे ख्याले उ मैं तो उसके ख्याल में महबूँ हम आज यानी होना ये चाहिए कि अल्लाह की याद में हमें महव होना चाहिए और अपनी ज़ात को अल्लाह की याद में मिटा देना चाहिए लेकिन हमने दुनिया और माफिया के ख्याल में अपनी महव हैं हम इसी ख्याल में महव हैं कोई क़ुरान की जबान से अगर मैं आपको कहूँ कि मनम महवे अच्छा नहीं आ,

जो लोग दुनिया के ख्याल में महव हैं थोड़ी सी अगर आप मेरे जुमले की तरफ तवज्जो करें तो अच्छा होगा कि जो लोग दुनिया के ख्याल, दुनिया ही के ख्याल में महव हैं और दुनिया ही को चाहते हैं लम यद इल हयात दुनिया तो फिर उनका अंजाम क्या होगा थोड़ा सा अब ये बयान हो रहा है आयत नंबर पंद्रह में सूर अलमारिज में कल्ला ऐसा हरगिज़ नहीं होगा यानी इन लोगों की कोई दादरसी नहीं की जाएगी इन नहा लजा अब इनका यानी ठिकाना जो है वो शजन आग है भड़कती हुई आग है लजा नजाअलिशवा तमाम आजाए बदन की खाल उतार देने वाली है और ये यहाँ के अगर आप थोड़ा सा मैं और आप सोचें ये आग में जलना कोई आसान काम नहीं है सामने का नाम हमारा तो खैर यकीन ही नहीं है ये एक बात मैं आपको कह दूँ कि हमारा न तो दोबारा ज़िंदा होने पे कोई यकीन है ना योम हशर पे रब के सामने खड़े होने पे यकीन है न जन्नत पर यकीन है न दोज़ख़ पर यकीन है हमारा अगर यकीन है तो सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी है अगर आप मुझसे पूछें कुरान की ज़बान से कि हम में से बहुत से लोग जो हैं वो लम यरिद लम यरिद अल हयात दुनिया के ज़ुमरे में आते हैं कि दुनिया के अलावा कोई उनकी चाहती नहीं है और ये बात जो है अगर मैं आपको क़ुरान पाक की एक और आयत की तरफ़ मुतवज्जे करूं तो अल्लाह ताला ने यह फ़रमाया है कि कुल हल ننبئكم बिलअक्सरी न कि क्या मैं तुम्हें ना बताऊं सबसे ज्यादा नुकसान में कौन लोग दुल्ल في फिलहत दुनिया ये वो लोग हैं कि जिनकी सारी कोशिश गुम हो गई दुनिया ही के लिए दल साहुम في दुनिया الدنيا यह يحسبون انهم युसिन सुना ख्याल वो ये करते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं नहीं तो हमारी मिसाल तो ये है सबने के साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे मैं और आप जिन लोगों के दरमियान रह रहे हैं उनमें से अक्सर लोग दुनिया के धोखे का शिकार हो चुके हैं दुनिया ही को वो असल करार दे चुके हैं दुनिया ही की ज़िंदगी पर उनका यकीन है और सारी कोशिशें जो है उनकी दुनिया के लिए है तो लेकिन इसका अंजाम जो है वो ठीक नहीं है सामने का उस दिन कोई फ़िदिया आपसे कबूल नहीं किया जाएगा वो दिन यकीनन आने वाला है वयस्तम्बू नक कन हो कुल ई वब्बी इ नक़ आपसे पूछते हैं कि क्या अक कन हो कि क्या ये हक है जो ए मोहम्मद अलैहि वसल्लम जो आप बता रहे हैं अक कन हो कुल ई वब्बी इ नक लक़ आप कह दीजिए कि हाँ और मेरे रब की कसम कि ये हक है जो वाकयात आने वाले हैं जो वाकयात बयान हुए हैं अल्लाह ताला अभी से हमें बता रहा है तो एक तो इसमें लजा का ज़िक्र है कल्ला इहा लजा यानी जिसको देख के ये अपना सब कुछ फदिए में देने के लिए अपनी बीवी को अपने बच्चों को अपने सारे रिश्तेदारों को और दुनिया में जितने भी लोग हैं बदले में देने के लिए तैयार हो गए यहाँ तो हम ऐसा नहीं करते ना यानी मिसाल के तौर पे यहाँ अगर कोई हमें ये कहे कि भई तुम तुम्हें हम दस करोड़ रुपए देते हैं तुम अपनी बीवी को दे दो बीवी को दे दो बच्चों को दे दो और रिश्तेदारों को दे दो सब को दे दो और हम तुम्हें दस करोड़ रुपए देते हैं तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसा नहीं होगा जो ये सब कुछ दे के ये मफाद ले ले कि भाई हाँ ठीक है तुम मेरी बीवी भी तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे वो आ, ऐसा तो कोई नहीं होगा तो देखें यहाँ अगर आप तैयार नहीं होते और तो आप वहाँ अगर आप वहाँ आप तैयार हो जाएंगे यहाँ ले लो मेरी बीवी भी ले लो मेरे चार बेटे हैं और तीन बेटियां हैं ये भी ले लो और सारे रिश्तेदार ले लो इनको दो में डाल दो और मुझे बचा लो और दुनिया में सारे लोगों को भी फिदिये में ले लो और मुझे छोड़ दो ऐसा नहीं होगा कल्ला कल्ला का मतलब हरगिज़ नहीं ये बात नोट कर ले हरगज ऐसा नहीं हो इन लो वो जो है एक भड़कती हुई आग है जन आग है और ये आग मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें जलना आसान काम नहीं है और फिर दोज़ख़ की आग तो बहरहाल हमारा तो यकीन नहीं है हमें तो ना उसका कोई खौफ है ना कोई डर है लेकिन बात यह है कि अल्लाह की बात तो सच्ची है यानी ये उस भड़कती हुई आग के मुतल हम आ, सोच भी नहीं सकते यहाँ की आगों की तरह नहीं है वह दो की आग थोड़ा सा अल्लाह ताला बता रहा है कि नजातल शवा वो तमाम तुम्हारे बदन की खाल उतार देने वाली है तद्रु मन अदबरा व तवल्ला वो बुला रही है तद्रऊ वो आग बुला रही है जो जिसने अदबरा, जिसने पीठ फेर ली व तवल्ला और रू की अब व जमा फावा देखें तीन सिफ़ात थोड़ा सा सामने साम करें और मैं सच्ची बात कह रहा हूँ मैं नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ये सारी बातें सच्ची हैं और इसमें दोज़ख़ की आग में कौन लोग जलेंगे तीन औसाफ बयान हो रहे हैं यही तीन किस्म की सिफात हैं दो ज़ख्म वालों की और उन लोगों की जो उस भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे जिनों जिनको अल्लाह ताला ने हक जिनके सामने हक पेश हुआ बल, तो वो फिर गए उन्होंने पीठ फेर ली और रुगरदानी इख्तियार कर ली वह जमा अवा और उसने माल तकसीम किया और फिर इस, इसे रोके रखा यानी बखील शख्स ये तीन सिफ़ात हैं अगर आप देखें तो ये तीनों सिफात हम में बदरजाला मौजूद हैं सामने कराम <क्यों> यानी हम हमारे सामने हक़ पेश भी हो जाए तो हम उससे पीठ फेल लेते हैं व तवल्ला और उससे रुग़रदानी, आज हमने देखें कुरान से रुग़रदानी इख्तियार की हुई है कोई हद है इनकार की क्या है यानी कोई हद है मैं आपसे कह रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से हम फिर गए उससे हमने पीठ फेल ली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे रूगरदानी उनके उसवे हसना से रूगरदानी इख्तियार कर ली है और हम बखील हैं व जमा इंसान जो कुछ भी कमाता है आपको मालूम है कि माल को ये यानी टूट के मोहब्बत करता है कुरानी आयत का मैं तर्जुमा कर लूँ व तो लब जम वहूलब्ब्ब्ब्ब्बिल खैर लशदीप टूट के मोहब्बत करता है और फिर ये बख़ील बन जाता है तो बहर अभी मज़मून जारी है सबन कराम मैं आप तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए आऊज बिल्लशन बसमिल्लम यु बस सरुन يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفسيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لزار जलिशवा तर्जुमा सुना दें यू बस सरुना वो एक दूसरे को दिखाए जा रहे होंगे यानी जिकरी दोस्त जो है वो एक दूसरे को देखेंगे यबदुल मुजरम लव यफ दी मिन अजाब यौम इज़म बनी उस दिन मुजरिम ये चाहेगा कि उस दिन के अजाब से रिहाई के बदले में अपने बेटे दे दे व साहिबती ही व अखी है और अपनी बीवी और अपने भाइयों को दे दे वह फसी लत वी है और अपना तमाम खानदान फिदिये में दे दे जो उसे पनाह देता था मन फिल अर्द जमी अन यून जी है और जितने लोग भी जमीन में हैं सब के सब अपनी जात के जवज बदले में दे दे कल्ला ऐसा हरगिज़ नहीं होगा इन वो तो बेशक एक जन आग है नजागतल नजागतल और वो तमाम आजाय बदन की खाल उतार देने वाली है अभिनायत की तिलावत और तो तर्जुमा They will be shown each other. The criminal wishes he would be redeemed from the punishment of the day by his children. And his spouse, and his brother. And his family that sheltered him. And everyone on earth, in order to save him. By no means, it is a raging fire. It strips away the scalps. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त अख्तितम को पहुँचा इन अगले दरस में मुलाकात होगी व आखिर दावाना अनिलदिल्ल रबालमीन वसलम आलकम वर्क